ओके तो आज के लेक्चर में सब्जेक्टिव शीट नंबर 3 न्यूमेरिकल्स, फिर से एक बार यूनिट्स एंड डायमेंशंस के, तो आप लोगों ने ये ट्राई किया होगा और क्वेश्चन नंबर 1, तो कितने लोग चाहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करें? कितने लोगों का आंसर नहीं आया हाथ खड़ा कर सकते हो, जिनका आ गया इट्स ओके okay. हो गया, डाउट है? डाउट है. तो ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन मास एम, तो चाहे ऑर्बिटल हो, चाहे क्रिटिकल हो, चाहे कोई वेलोसिटी हो, वो क्या कह रहा है? ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन मास रेज टू पावर ए एंड डिस्टेंस रेज टू पावर आर रेज टू पावर बी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेज टू पावर सी. तो यहां तक समझ में आ गया? कॉन्स्टेंट लगा दिया, कॉन्स्टेंट लगाने के बाद वेलोसिटी क्या है? एल टी माइनस वन. मास क्या है? एम. आर क्या है? लेंथ. और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एल टी माइनस टू. तो यहाँ से पावर्स एडजस्ट करते हैं, मास तो है ही नहीं, तो रेज टू पावर जीरो, मास की पावर ए, एल की पावर बी प्लस सी, टी की पावर माइनस टू सी. तो मास की पावर मास के साथ कंपेयर, एल की पावर एल के साथ, टी की पावर टी के साथ. जैसे टी की पावर टी के साथ, तो सी क्या आएगा? हाफ. सी आ गया हाफ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा. ए तो वैसे ही जीरो है, तो ए बी सी आ गया. ए बी सी को जो भी वैल्यू आई एम आर और जी के ऊपर हमने पुट किया, एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज वन, और आर और जी का अंडर रूट को ऐसा लिखा जा सकता है, दिस इज द आंसर. तो पॉइंट सबको क्लियर है यहाँ तक? तो मैंने गूगल ड्राइव पे ये असाइनमेंट शेयर की है, तो सबको मिल गई है, ठीक है? तो ऐसे ये शीट है, ऑब्जेक्टिव शीट आज मैंने सॉल्व की, वो भी गूगल ड्राइव पे भी मैंने डाल दी है. तो जो जो शीट्स यहाँ होती जाएंगी मैं सॉल्व कर करके उनमें डालता जाऊँगा, तो अगर कोई इतनी तेज़ी से नोट नहीं कर पा रहा तो आप वहाँ से भी रेफर कर सकते हैं, ठीक? तो जिसको नहीं मिली वो मुझे अपना ईमेल आईडी सेंड कर देगा व्हाट्सएप पे, मैं उसको गूगल ड्राइव शेयर कर दूंगा. तो चेक करो इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट, हाथ खड़ा करना है यस कि नो. देखो, टर्मिनल वेलोसिटी वी प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द बॉडी रेज टू पावर ए, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी रेज टू पावर बी एंड विस्कस ड्रैग. विस्कस ड्रैग क्या होती है? फोर्स. फोर्स रेज टू पावर सी. कंबाइन कर दिया इसमें, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एल टी माइनस वन, तो वेलोसिटी की जगह क्या पुट कर दिया? एल टी माइनस वन. आर का मतलब लेंथ, एल रेज टू पावर ए. ईटा का मतलब कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, और हमने किया कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? एम एल माइनस वन टी माइनस वन रेज टू पावर बी. एफ का मतलब क्या है? फोर्स. फोर्स का मतलब विस्कस ड्रैग क्या है? एम एल टी माइनस टू रेज टू पावर सी. क्लियर है? यहां से m की पावर b, m की पावर c, तो m की पावर क्या आएगा? b प्लस सी. एल की पावर माइनस बी, एल की पावर c, तो क्या आएगा? माइनस बी माइनस टू सी. फिर से एक बार, l की पावर माइनस बी, l की पावर a, l की पावर c, तो ऐड करके a माइनस बी प्लस सी. और t की पावर माइनस बी, t की पावर माइनस टू सी. तो यहां से जब कंपेयर करेंगे तो m की पावर, l की पावर, t की पावर, तो तीन इक्वेशंस रेडी हो जाएंगे. तो कितने लोगों की तीन इक्वेशंस बन गई थी है? ठीक है, अब क्या करना है आपने? इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है. इन तीन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है इसको ध्यान से देखेंगे. तो इन तीन इक्वेशंस में, ये तीन इक्वेशंस हैं, इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मैंने तो ये टेक्निक अप्लाई की कि बी को मैंने क्या पुट कर लिया? माइनस सी. तो यहाँ पर बी किसके इक्वल है? माइनस सी. आप इस बी इज इक्वल टू माइनस सी को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें, क्योंकि b अब c की फॉर्म में आ गया, तो b की जगह माइनस सी, तो माइनस ऑफ माइनस सी माइनस टू सी. सॉल्व करें तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 1. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करके आंसर क्या आएगा? 1. c की वैल्यू अगर कितनी आ गई यहां पर? 1, तो b ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा? माइनस 1. अब आप खुद देखें, आपके पास b आ गया, c आ गया. अगर आप b और c यहां पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? a आ जाएगा, और a कितना आ गया? माइनस 1. तो जो भी ए बी सी आया आपने यहां पर पुट कर देना है आर ईटा और एफ के ऊपर. ए बी एंड सी यहां तक छोड़ दें, या अगर जो टर्म माइनस वन है उनको डिनोमिनेटर में लेके जाना है आप डिनोमिनेटर में भी लेके जा सकते हैं. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर. यस सर. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में ना एक पॉइंट ये नोट करने वाला है कि ईटा जो सिंबल है ना, इसमें लोग फंस जाते हैं.
वो कहते हैं ईटा तो इलास्टिसिटी होती है, ईटा तो विस्कोसिटी होती है, ईटा तो ईटा क्या, मेरा नाम भी आज से ईटा ही है, ईटा सर मेरा नाम रख दो, क्या फर्क पड़ता है यार, कॉपीराइट थोड़ी ना है, ईटा तो दोस्तों का नाम ईटा रख दो, ईटा गामा बीटा अल्फा जो मर्जी रखो। तो ये आपने ये थोड़ा देखना ईटा क्या चीज है, आपने देखना ईटा है क्या, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आपको अगर वो बोल रहा है कि वो डेंसिटी है तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला डेंसिटी का ही पुट करना है, तो एम एल रेज टू पावर -3। क्लियर है यहां तक? तो यहां पर टाइम पीरियड टी डिपेंड्स अपॉन स्टैटिक प्रेशर रेज टू पावर ए, ईटा रेज टू पावर वी एंड एनर्जी रेज टू पावर सी कंबाइन किया। तो यहां पर टाइम पीरियड टी, पी फॉर प्रेशर, प्रेशर स्टैटिक हो डायनेमिक हो कोई भी हो, प्रेशर प्रेशर है, प्रेशर पुट कर दिया रेज टू पावर ए, ईटा का मतलब डेंसिटी रेज टू पावर बी, ई फॉर एनर्जी रेज टू पावर सी। तो पावर्स को ओपन करते हैं, एम की पावर ए, एम की पावर बी, एम की पावर सी, ए प्लस बी प्लस सी, एल की पावर माइनस ए, एल की पावर -3 बी, एल की पावर 2 सी, ऐसी टी की पावर। तो पावर्स को कंपेयर करके 3 इक्वेशंस आ गई। आपने जब ट्राई किया होगा ना ये क्वेश्चन, आपने चीज नोट की होगी, ज्यादातर 90% क्वेश्चन में जब 3 इक्वेशंस बनती है ना, तो एक इक्वेशन तो ए बी सी में से कुछ ना कुछ वैल्यू तो इमीडिएटली दे ही देती है आपको, चाहे 1 दे चाहे -1 कुछ भी दे, फिर बाकी क्वेश्चन बड़ा ईजी हो जाता है। वो क्वेश्चन ज्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं जिसमें यहां से 3 इक्वेशन में कुछ भी नहीं आता, जैसे ये इक्वेशन है, और तीनों इक्वेशन में ए बी सी ए बी सी ए सी काफी वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, पर सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने इसको ऐसे किया, मेरी ये इक्वेशन ए और सी के बीच में है, मेरे को अगर एक और इक्वेशन ए और सी के बीच में मिल जाए तो मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करके अपना आंसर कैलकुलेट कर सकता हूँ। है तो ये सारा हिट एंड ट्रायल, ट्राई करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इस बी को यहां से इलिमिनेट कर दिया। कैसे? फर्स्ट इक्वेशन में ए 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी है, पहली इक्वेशन में मैंने बी को क्या लिख लिया, माइनस ए प्लस सी, बी एक तरफ ए और सी एक तरफ। इस बी को मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया, तो इस बी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, माइनस ऑफ ए प्लस सी। ये क्लियर है? तो इक्वेशन नंबर 2 में बी की जगह पुट कर दिया माइनस ऑफ ए प्लस सी। इसे ओपन किया, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके एक और इक्वेशन आ गई जो किस फॉर्म में बनी, सी और ए की फॉर्म में बन गई। अब एक इक्वेशन सी और ए की फॉर्म में ये रही, एक इक्वेशन ऑलरेडी है मेरे पास सी और ए की फॉर्म में, एक इक्वेशन बनी हुई है, एक मैंने बना ली, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर नीचे रखा, इन्हें ऐड कर दिया, ऐड करके 2a से 2a कैंसल, तो इन्हें ऐड करके सॉल्व करके क्या आ गया, सी आ गया। अब अगर आपके पास सी आ गया तो आप एक काम कर सकते हो, इनमें से किसी भी इक्वेशन में सी को पुट कर लो, सी कितना है 1/3, इस इक्वेशन में जैसे मैंने 1/3 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया, ए आ गया। अब मेरे पास ए आ गया, अब मेरे पास सी आ गया, अब मुझे क्या निकालना है, बी निकालना है। तो एक काम करते हैं, 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, मैंने ए निकाल दिया सी निकाल दिया, तो ऑटोमेटिकली ए और सी की वैल्यू को पुट करके मैं क्या निकाल पाऊंगा, अब मैं बी निकाल पाऊंगा। तो ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, आंसर आ गया। मैंने पुट नहीं किया, पर अल्टीमेटली आप पुट तो यही करोगे, इसे जगह कम बची थी तो मैंने यहां पुट नहीं किया। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? तो ए बी सी सॉल्व करना मैथ्स और आप ही का काम है, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि किस टर्म में क्या पुट करना है, कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये? यस सर। ठीक, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। कितनों को डाउट है इसमें, कितनों को नहीं आया ये, और कितनों का आ गया, नहीं आया, ओके। एज्यूमिंग दैट मास एम ऑफ द लार्जेस्ट स्टोन दैट कैन बी मूव्ड इन अ फ्लोइंग रिवर, हमें कोई पत्थर कहाँ मूव कर रहा है, हमें क्या लेना देना। ये देखो मास किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी वी पे डिपेंड करता है, रेज टू पावर ए। मास किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी रेज टू पावर बी। मास किस पे डिपेंड करता है, जी रेज टू पावर सी। अगर हम इन्हें कंबाइन कर लें तो ये फॉर्मूला बनेगा। तो मुझे प्रूव करना है कि जो मास है 6th पावर ऑफ वेलोसिटी के इक्वल होगा, यानी कि जो मास है वो वी रेज टू पावर ए के प्रोपोर्शनल है, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, यहां पर 6 आएगी, तो ए की 6th पावर होनी चाहिए, ये प्रूव करना है। यानी कि मेरे को सिर्फ ये देखना है कि ए की जो वैल्यू सॉल्व करके आएगी वो 6 आनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, मास की जगह वैल्यू पुट की, वेलोसिटी की वैल्यू पुट की, डेंसिटी पुट किया और जी पुट किया। तो इन्हें मैंने सॉल्व किया, m1 है, l0 t0, तो यहां से m की पावर b है, एल की पावर ए बी है, -3 बी भी है और सी भी है। ऐसे टी की पावर को इकट्ठा किया, कंपेयर किया, कंपेयर करके 3 इक्वेशंस आ गई, 3 इक्वेशन में से बी तो आई गया कम से कम 1। कोई डाउट इसमें?
बी आ गया, बी को यहां पुट कर लिया तो ऑब्वियसली ए और सी की इक्वेशन आएगी, बी की वैल्यू को यहां पुट करके ए और सी में इक्वेशन आएगी, और ए और सी में एक इक्वेशन बनेगी, एक ये बनी हुई है, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए और सी भी आ जाएगा। मैंने किया नहीं, पर ए बी सी कैन बी कैलकुलेटेड, और अगर आप चेक करें तो ए की वैल्यू सॉल्व करके क्या आएगी, 6 आएगी, यही मुझे प्रूव करना था। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है आपने, कोई डाउट इसमें? ठीक है, ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है? यस यस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट। हो गया डाउट? देखो, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, तो इसका डायमेंशन, कोई कह रहा था मुझे, कोई पूछ भी रहा था व्हाट्सएप पे, अगर सिंबल ना गिवन हो तो क्या रखें, जो मन में है रख दो, एक्स लिखो, वाई लिखो, वी लिखो, मैंने वी ले लिया, तो वी का मतलब यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम नहीं है, वी का मतलब है वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, तो वी का मतलब डायमेंशन फॉर्मूला वॉल्यूम अपॉन टाइम, क्लियर है? तो आपको वो क्या कह रहा है, ये वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर ग्रेडियंट पे। अब प्रेशर ग्रेडियंट का सिंबल उसकी मर्जी है, तो पेपर बनाने क्वेश्चन पूछने वाले ने प्रेशर ग्रेडियंट का सिंबल क्या लेने को कहा, पी बाय एल, तो आप भी चेंज ना करें, पी बाय एल रखें, तो वी प्रोपोर्शनल टू पी बाय एल रेस टू पावर ए, नेक्स्ट ईटा रेडियस रेस टू पावर बी, और ईटा रेस टू पावर सी, क्या पॉइंट क्लियर है? कंबाइन किया एज इट इज सिंबल्स, कोई चेंज नहीं किया। वी का मतलब यहां पर वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड है, P फॉर प्रेशर, L फॉर लेंथ, R फॉर लेंथ, ईटा फॉर कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, पुट कर लिया, ठीक है, L और ये सॉल्व करके L की पावर माइनस टू, फिर M की पावर, L की पावर, T की पावर कंपेयर, यहां इकट्ठा करके कंपेयर करेंगे, तीन इक्वेशन बनेंगे फिर से, इन तीन इक्वेशन में A को क्या पुट करेंगे, माइनस सी, तो A को आप यहां पे पुट कर दें माइनस सी, तो A को जब यहां पर पुट करेंगे माइनस सी, सॉल्व करके C आ जाएगा, C आ गया आपके पास तो समझो A भी आ गया, A आ गया, C आ गया तो समझो B भी आ गया, तो A, B, C सॉल्व करके आपके पास ये तीन वैल्यूज आ जाएंगी, दिस इज द आंसर। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई जादू है, कोई शॉर्टकट है, मेरे सॉल्व नहीं हो रहे, आपके सॉल्व हो रहे हैं, इसके सॉल्व मेरे, मैंने भी सॉल्व भी किए हैं, मेरे पास ये शीट थी नहीं, मैंने भी कल आज सुबह ही अपडेट की है ये, तो मैंने सुबह सुबह सॉल्व किया और पूरा आपके सामने, कोई ये भी नहीं है कि कोई स्टेप मैं शॉर्टकट लगा रहा हूँ, उल्टा आप जो स्टेप्स लिखते हैं उसे दो स्टेप फालतू ही लिखता हूँ, आप तो फिर भी बीच में शॉर्टकट मार देते हैं, तो शॉर्टकट भी मार सकता है, लोगों को समझ में नहीं आएगा शॉर्टकट क्या मारा है, तो हर किसी को सॉल्व करना पड़ता है, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, तो जो रास्ता आपके लिए वही रास्ता मेरे लिए, ठीक है, तो आपको बैठना पड़ेगा और होमवर्क तो करना पड़ेगा, हाँ जहाँ फंसेंगे वहाँ असाइनमेंट्स काम आएंगे आपके, ठीक है यहाँ तक? तो क्लियर है यहाँ तक, ए बी सी क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोगों का हो गया, 6, कितनों को डाउट है? डाउट है, V इज वॉल्यूम ऑफ वाटर विच पासिस एट एनी पॉइंट ऑफ द कैनाल ड्यूरिंग टी सेकेंड, तो V का मतलब यहां पर वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड है, टी सेकेंड में कितना पानी चला गया, तो V का मतलब फिर से यहां पर क्या है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, तो इसका मतलब इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एल क्यू बाई टी, ये रहा, क्लियर है यहां तक? तो इसमें वो कह रहा है ये एक फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू जो भी के ए टी यू, कह रहे चेक करो ये करेक्ट है कि नहीं, तो गलती से करेक्ट लिखा गया जबकि ये इनकरेक्ट आ रहा होगा, तो इसमें V का मतलब वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, K तो कांस्टेंट है, एरिया का मतलब एल स्क्वायर, टी का मतलब टाइम, यू का मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, एल टी माइनस वन, तो जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो टी से टी तो कैंसल, एल स्क्वायर एल इज एल क्यूब, तो आपके पास सॉल्व करके ये करेक्ट नहीं आया क्योंकि लेफ्ट और राइट हैंड साइड डिफरेंट आए, तो क्या आया आंसर, इनकरेक्ट आया, गलती से मैंने करेक्ट लिख दिया था, इसको इनकरेक्ट कर लो, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो मैंने वॉल्यूम पुट किया, वॉल्यूम बाय टाइम, ठीक है, मैंने वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड ही पुट किया ना इसमें, क्लियर है सबको यहां तक, कोई डाउट इसमें है ना? मेरा यही काम है बताना कि देखो पता लग गया, अब अगली बार जब मैं कहूंगा ना कि इतना पानी बह रहा है पर सेकेंड, इतना भारी इतना पानी बह गया इन टी सेकेंड, तो समझ जाना वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, ठीक, इसी के लिए लेक्चर लग रहा है, अगर आपको पता ही होता तो फिर बात ही क्या थी, फिर तो सब कुछ ही पता होता, पर थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम रोज़ सीखते हैं और प्रैक्टिस से हम सीखते हैं,
जो आपको कोई टीचर करके दिखाएगा वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर आप ऐसे ही करेंगे। ठीक है, दो क्वेश्चन हो गए वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड के, तीसरा आ जाएगा तो कर ही लोगे अब तो। ठीक, नेक्स्ट, ये क्वांटिटी मैंने गलत कर दिया इसमें, मेरे को लगा कि इसमें करेक्टनेस चेक करनी थी, तो ये करेक्टनेस नहीं चेक करनी इसमें, इसमें बताना है कि एक्स क्वांटिटी क्या है। तो प्लीज़ इसको इसको कट कर रहा हूँ मैं, ये एक्स क्वांटिटी के बारे में बताना है कि क्या क्वांटिटी है। तो आप एक काम करेंगे, इसमें हमने लास्ट टाइम भी किया था शायद, ये आई फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एफ का मतलब फोर्स, वी का मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर, डब्ल्यू का मतलब वर्क डन, एल का मतलब एल क्यूब। इन्हें अगर हम ओपन करें एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, सॉल्व करें, कैंसिल करें टर्म्स, तो आंसर क्या आता है, एम टी माइनस टू सरफेस टेंशन। आपको याद होगा कि ये हमने लास्ट टाइम किया था, सरफेस टेंशन या सरफेस एनर्जी एक ही बात है। फोर्थ क्वेश्चन जो भी है, पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो ये रिपीटेशन में है क्वेश्चन, तो ये करेक्टनेस इनकरेक्टनेस नहीं बतानी इसमें, इसमें सिर्फ बताना है कि क्वांटिटी क्या है। ठीक है, तो ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस यस सर। ये रिलेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है ये तो आप बता ही दोगे, सिंपल है। ये टाइम है, ये लेंथ है, मतलब इन ये सेम हो जाए, इनकरेक्ट है, बिल्कुल क्लियर है। ये वैसे तो आपको अपने मन से फीलिंग आ रही होगी कि कई बार ये फॉर्मूला एरर्स में देख चुके हैं, टी इज इक्वल टू टू पाई रूट एल बाई जी, तो ठीक ही होता होगा जो तीन चार बार यूज हो गया, तो ये करेक्ट ही है वैसे तो, पर चलो आपको करके फॉर्मेलिटी करनी तो पड़ेगी। टी फॉर टाइम, 2 पाई का कुछ नहीं, एल का मतलब लेंथ, जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और अंडर रूट का मतलब हाफ। तो एल से एल कैंसल, टी ऊपर चला गया, स्क्वायर अंडर रूट लिया तो टी, टी और टी सेम, तो ये रिलेशन एब्सोल्युटली करेक्ट है। कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट, करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन क्या चेक करना, दिख रहा है क्या, दिख रहा है करेक्ट है क्यों, ये एनर्जी है, ये एनर्जी है, एम जी एच भी एनर्जी है, हाफ एम वी स्क्वायर भी एनर्जी है, तो वैसे ही करेक्ट है, एनर्जी एनर्जी एनर्जी, डायमेंशन फॉर्मूला सबका सेम है, करेक्ट है। ठीक, डायमेंशन फॉर्मूला करेक्टनेस चेक करनी है, हो गया था ये सॉल्व। रो का मतलब इसमें डेंसिटी है, जी का मतलब एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, कैपिटल जी का फॉर्मूला मैंने गलत पुट कर दिया यहाँ पर, कैपिटल जी करेक्ट कर लेना यहाँ पर, ये क्वेश्चन मैंने सही नहीं किया। कैपिटल जी का फॉर्मूला क्या था कोई बताएगा, एम की पावर माइनस वन, एल की पावर माइनस, एल की पावर क्यूब और टी की पावर, हाँ अब सॉल्व करना, अब चेक करना करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट आ रहा है, ओके ये करेक्ट आ रहा है, तो आप प्लीज़ इसे ऐसे, मैं इसको करेक्शन करके डाल दूंगा गूगल ड्राइव पे, पर समझ में आ रहा है कि कैसे चेक करना है। तो कितने लोगों का करेक्ट आ गया था, करेक्ट आ गया था, ठीक है ये मेरा गलत हो गया क्योंकि मैंने गलत किया इसे। ये फॉर्मूले में डाउट, इस फॉर्मूले में याद रखना जो कॉस थीटा होता है वो एक नंबर है, कॉस थीटा की वैल्यू नंबर आती है, तो इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, राइट। तो एच का मतलब हाइट है,
आर का मतलब लेंथ है, रो का मतलब डेंसिटी है, जी का मतलब एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है, टू का कुछ नहीं, कॉस थीटा का कुछ नहीं, एस पर सरफेस टेंशन है। सॉल्व करके ये टर्म क्या आएगी, इनकरेक्ट आएगी। एक एल आ रहा है, एक एल की पावर माइनस वन है, कितने का आ गया था, ये हो गया था, हो गया था, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेवेंथ क्वेश्चन, कितने लोगों का हो गया। सारी गेम क्या है, किसको प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला आता है, और तो कुछ था ही नहीं इसमें, क्योंकि ये फॉर्मूला चेक करना है। लैम्डा का मतलब क्या होता है, लेंथ। अब किसकी लेंथ, वेव लेंथ, भाई चाहे वेव की लेंथ हो, चाहे आपकी लेंथ हो, मेरी लेंथ हो, लेंथ तो लेंथ ही रहेगी, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या रहेगा, एल। एच का फॉर्मूला मैं भूल ही गया करते करते, जैसे आप भूल जाते हैं, आप भी भूल गए होंगे, आपने टेबल देख लिया, मेरे पास टेबल नहीं था, पर मेरे को फॉर्मूला याद था, एनर्जी इंटू टाइम, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एनर्जी इंटू टाइम, मैं लिखवाया था टेबल के अंदर, तो एनर्जी का फॉर्मूला पता है और टाइम का पता है, मल्टीप्लाई करके पहले मुझे निकालना पड़ा प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, फिर मैंने इस फॉर्मूले को प्लैंक्स कॉन्स्टेंट में पुट किया, फिर मास की जगह मास, वेलोसिटी की जगह एल टी माइनस वन, सॉल्व किया, मास से मास कैंसिल करके आपके पास आंसर एल आया, तो ये रिलेशन एब्सोल्युटली करेक्ट आया। क्लियर है यहाँ तक, तो करेक्टनेस क्लियर है। नेक्स्ट कितनों को डाउट है, कितनों का डाउट है, कितनों का हो गया, ऊपर ये लो, ठीक है, आ रहा है, ट्राई की, देखो तो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें एनर्जी का ये फॉर्मूला गिवन है आपके सामने है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हमने एप्लीकेशन नंबर टू की थी, क्या किया था कि अगर ये दो टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही हैं और ये लेंथ का स्क्वायर है, तो इस टर्म को भी क्या होना पड़ेगा, लेंथ का स्क्वायर, तभी दो टर्म, तभी रिलेशन सही माना जाएगा। तो अगर ये एल स्क्वायर तो ये भी एल स्क्वायर, तो बी का फॉर्मूला क्या आ गया, एल स्क्वायर। अब ये भी बताया था कि अगर ये एल स्क्वायर, ये एल स्क्वायर, एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर गया तो आंसर क्या आया, हाँ जीरो नहीं आया। एल स्क्वायर हमको मैथ थोड़ा कर रहे हैं कि टू में से टू गया तो जीरो, हम कह रहे हैं एल स्क्वायर की टर्म में से एल स्क्वायर की टर्म माइनस करेंगे तो जो नई टर्म आएगी वो भी एल स्क्वायर ही होगी, तो न्यूमिनेटर क्या होगा इसका, एल स्क्वायर। एनर्जी एम एल टू टी माइनस टू, ए निकालना है और टाइम का टी, तो यहाँ से ए एक तरफ और ये वाली टर्म डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई, रीअरेंज करो, सॉल्व करो, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, सॉल्व करके आपके पास ये आंसर आएगा। मेथड क्लियर है, सॉल्व करने का काम तो आप ही का है, पर समझ में आ रहा है कैसे करना है, कोई डाउट इसमें, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 13 कितने लोगों का हो गया, 13 हो गया, कितने को डाउट है, डाउट है कैसे, इसमें तीन क्वांट, देखो एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जो ये डायमेंशन फॉर्मूला होगा फोर्स का एम एल टी माइनस टू, वही डायमेंशन फॉर्मूला इसका होगा ए इंटू रूट एक्स का, और वही डायमेंशन फॉर्मूला होगा बी इंटू टी स्क्वायर का। पहला स्टेप क्लियर है, तो डायमेंशन फॉर्मूला तीनों में क्या रहेगा, एग्जैक्टली सेम। तो इसका मतलब a इंटू रूट एक्स का डायमेंशन फॉर्मूला इसके इक्वल इक्वेट कर दें, bt स्क्वायर इसके इक्वल इक्वेट कर दें, ये स्टेप भी क्लियर है। तो x क्या होता है, l, तो l रेज टू पावर हाफ इसके नीचे आ गया, l और l की पावर हाफ की पावर माइनस होएगी तो आंसर आ गया। ऐसे ही bt स्क्वायर फोर्स के इक्वल है, t का स्क्वायर का मतलब ये t का स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ गया, सॉल्व करके आंसर आ गया। इसके बाद तो कैलकुलेशन है, पर पहला स्टेप समझ में आ रहा है, पहला स्टेप यही है कि तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा, एग्जैक्टली सेम रहेगा, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट, क्या मैंने आपको लास्ट टाइम एंगल का रूल बताया था, बताया था एंगल डायमेंशन लेस होता है, बताया था, देखो तो कितने लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया, हो गया था। इसके अंदर एक इक्वेशन गिवन है, क्या इक्वेशन गिवन है, वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा का मतलब एंगुलर वेलोसिटी होती है वैसे,
तो इसमें y का मतलब लेंथ होती है तो l, a का मतलब होता है एम्पलीट्यूड। किसी भी वेव की इक्वेशन में ये जो नंबर होता है a, ये क्या होता है एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड क्या होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी डिस्प्लेसमेंट ही कहलाती है, ये l ही होता है। तो ये भी l, ये भी l, पर मुझे मुझे मुझको क्वेश्चन में ये चाहिए ही नहीं a, और पूछ कौन रहा है मुझसे y, तो वैसे बता रहा हूँ कि ये भी l ये भी l चाहिए नहीं मुझे। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसमें डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा एंड के क्या होगा। तो मुझे पता है कि साइन के आगे जो भी टर्म है ये पूरा एंगल है, और एंगल डायमेंशनलेस होता है। तो पूरा का पूरा ये जो टर्म आएगा वो डायमेंशनलेस होगा। डायमेंशनलेस को क्या लिखते हैं, वन। ये स्टेप क्लियर है, पूरे का पूरा एंगल लिखा, एंगल को वन लिख दिया क्योंकि ये डायमेंशनलेस है। कोई डाउट, क्लियर है यहां तक? तो इसमें अगर ये वन है तो ये टर्म भी क्या होगी, वन, और ये टर्म भी क्या होगी, वन, क्योंकि सेकेंड एप्लीकेशन यही बोलती है कि जो ये डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही डायमेंशन फॉर्मूला इसका होगा, वही डायमेंशन फॉर्मूला इसका भी होगा। कोई डाउट इसमें? तो वन 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 कर लिया, तो यानी कि ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है, वन, और इधर से के इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, वन। ओमेगा निकालना है, ओमेगा क्या है, वन अपॉन टी, तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या आएगा, टी की पावर माइनस वन। वैसे आपको याद भी होगा टेबल से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला टी की पावर माइनस वन होता है, पर चलो याद को छोड़ो, पर समझ में आया कैसे निकाला। ऐसे अगर के का निकालना है तो के इंटू एक्स डायमेंशन लेस है, तो के इंटू एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हैं, वन। कोई डाउट इसमें? तो के एक्स इज इक्वल टू वन, के इज इक्वल टू वन बाई एक्स, एक्स किसके इक्वल है, एल, तो एल रेज टू पावर माइनस वन। कोई डाउट इसमें? तो मेन कॉन्सेप्ट इसमें यही है कि जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। डायमेंशन लेस का मतलब वन होता है। तो अगर ये पूरा वन है तो ये इंडिविजुअल टर्म भी क्या होंगी, वन और वन ही होगी, वहां से आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक, ये क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ होगा क्योंकि ये थर्ड एप्लीकेशन है, थर्ड एप्लीकेशन के बाद ये क्वेश्चन होगा। हम एक काम करते हैं, हम थर्ड एप्लीकेशन करते हैं पहले, फिर आगे चलते हैं, फिर ये क्वेश्चन करेंगे और फिर डिस्कशन करेंगे कि थर्ड एप्लीकेशन के ऊपर ऐसे और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं।